बस भाई सब बहुत हैवी है यार, बैलेंस नहीं बनना है, लेकिन बाकी सब पता चल गया। बस इसमें क्या है कि बहुत भारी है, हैवी भारी। सो हेलो गाइस, माय नेम इज अंशु, आपका वेलकम मेरे चैनल पर। तो गाइस अभी फिलहाल आज आ चुके हैं भाई हाईवे पे, और फिलहाल भाई आपको जैसा कि मैंने बताया था कि मेरी जो मौसी लगती है भाई, हालांकि मेरे बहन बोलता हूँ मैं और अपना लक्की, तो ये लोग ने जैसा कि मुझे बोला था कि भाई मुझे बाइक सिखाओ, तो इसलिए मैं आया था। और फिलहाल देख सकते हो ये पूरा खाली रोड है भाई, ये मतलब हाईवे निकल रहा है यहाँ से, लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है बिकॉज कंस्ट्रक्शन अभी ओपन है। तो हम लोग आ गए थे यहाँ पे, और पीछे देख सकते हो ये लोग आ चुके हैं। लक्की है, लक्की का दोस्त करण है, और ये अन्नू, ठीक है। तो अभी इन लोगों को सिखाते हैं भाई। सबसे बड़ी टेंशन ये है कि भाई बाइक, मैंने पता किसी को आज तक सिखाई नहीं अपनी बाइक से, और इन लोग को फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं बाइक दे रहा हूँ। और देखते हैं भाई, भगवान से दुआ करते हैं यार कि कुछ हो ना, ठीक है। बस ये है, और देख लो यहाँ से कितने तेज़ लोग निकलते हैं भाई, बिकॉज रोड ही ऐसा है। देख रहा था भाई पलट के। तो यही सीन है, और चलो वैम्पायर देख सकते हो कैसी लग रही है, और ये लड़की भी देख सकते हो। तो अभी थंबनेल वगैरह सब लेंगे, बाकी चलो इन लोग को सबसे पहले कौन सीखेगा पहले ये बताओ। इसको सिखा रहा हूं, मैं तुम कहाँ सीख चुके हो, अभी तुमको भी सिखाएंगे, पहले तुम। चलो ठीक, पहले इसको सिखाते हैं भाई। सो गाइस सबसे पहले भाई एक बाइक में अपने को क्या जानना रहता है, सबसे पहले होता है कि बटन्स जो भी हैं उसका यूजेस हम लोग को पता होना चाहिए कि भाई कौन सा बटन किस चीज़ का, पता लगे कोई बटन कहीं भी यूज़ कर रहे पड़े हैं। तो तुम्हें पता है इसके बारे में कुछ या नहीं? अभी जीरो इस चीज़ में। तो पहले चाबी ऑन करो, हाँ अभी उधर होती है उस साइड। चलो तो अभी इसको समझ लो, ये जीरो बटन सन्नाटा है, इसको अभी ये भी नहीं पता चाबी कैसे ऑन होती है। और चलो ये वाला जो बटन है ये लाइट के लिए, रात में रात हो जाती तो ऐसे कर दोगी तो लाइट पूरी हो जाएगी, ठीक है। बाकी इसको बंद करके रखना रहता है, और इसी में पास बटन होता है और ब्लिप करने के लिए। ये इंडिकेटर है, लेफ्ट मुड़ना लेफ्ट दे दो, राइट मुड़ना राइट दे दो, ठीक है। इसको मैं ऐसे करूंगी तभी मुड़ सकते हैं? नहीं ऐसा नहीं है, सेफ्टी फीचर देखो, रोड पे तुम जा रही हो, तुम्हें राइट मुड़ना है, तुमने राइट कर दिया, पीछे वाले को पता चलेगा कि तुम राइट मुड़ोगी तो वो धीमे कर लेगा, अब समझ गई ना। तो ये इसके लिए है, बाकी ये हॉर्न है, हॉर्न बहुत तेज है, हालत ख़राब हो जाती है। बाकी ये किल स्विच है, इसको बंद कर दिया तो अभी बाइक नहीं स्टार्ट होगी, इसको ऑन करोगी तो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अभी ऑन ना करना, न्यूट्रल में स्टार्ट भी हो जाएगी। और ये है पासिंग बटन, इस पर क्या है, ये ऑन कर दिया तो चारों इंडिकेटर जलने लगते हैं, चारों इंडिकेटर चारों तरफ जलने लगेंगे, इसको ऑफ रहने देते हैं। ये बाइक का इन्फॉर्मेशन है, वो सब अभी ना समझो तुम, वो अंदर ये स्क्रीन है पूरी कंट्रोल होती है उससे। तो यही है, अब तुम्हें दिखाते हैं ये जो नीचे है गियर, हाँ पहला गियर नीचे लगता है, बाकी सब ऊपर, हाँ लगा के दिखाओ, स्टार्ट नहीं होगी। पहले तो पैर उस पर रखो, तुम पैर उस पर रखो, नॉर्मली बैठो जैसे बैठते हैं, स्टार्ट ना हो जाए भाई, ऑफ करो, चाबी बंद कर देते हैं। बाइक खड़ी करो, बाइक खड़ी कर लोगी, अपने पैरों को खड़ी कर लोगी, हो गई खड़ी, होगी ना पैर पहुँच रहे दोनों साइड थोड़े थोड़े, हाँ ठीक है बाइक खड़ी तो कर ले रही हो। स्टैंड ऊपर करो, स्टैंड करो ऊपर, कर लिया ना। अब पहला गियर लगाओ, इसको दबा लो, ब्रेक को दबा लो, ब्रेक दबा लो, वो है ब्रेक, इसको दबा लो बस, अब गाड़ी आगे नहीं जाएगी। अब तुम उस साइड खड़े रहो, गाड़ी गिर, हाँ इसको नीचे करना रहता है, नीचे कर दिया तो पहला गियर लग गया, ठीक है लग गया ना, हाँ पहला गियर लग गया। फिर उसको ऊपर करो, नीचे उसके नीचे पैर डालो, रुको उस पर पैर तुम उसी पर रखे रहो, ये है ये फुटरेस्ट, इस पर पैर हमेशा तुम्हारा रखा रहने देना चाहिए। अच्छा अब उसके नीचे पैर लेके जाओ, ये हाँ ऐसे, हाँ अब ये ऊपर करोगी बाइक चलाते चलाते, ये क्लच दबाना है तुम्हें, ठीक है क्लच दबाना है, ये क्लच है पूरा दबा के, फिर दूसरा गियर लगेगा, फिर उसको दबाओगी फिर तीसरा गियर लगेगा, ऐसे होता है, समझ रही हो ना। अभी जब बाइक चलाओगी तो पहले गियर में चलाना, क्योंकि क्योंकि पहला गियर ही संभाल लो, बहुत बड़ी बात है। पीछे बैठेंगे तो पैर नहीं पहुंचेगा, तब भी कोई फायदा नहीं, पैर नहीं पहुंचेगा।
तो यही है, चलो अब चला लोगी? हाँ। कंट्रोल कर ले रही हो? कॉन्फिडेंस है। सो गाइस अभी ये लड़की जा रही है भाई चलाने के लिए, और चलो स्टार्ट करो भाई, तुम पता चल गया ना स्टार्ट, तुम दोनों तुम उस साइड रहना लगती, ठीक है? रुको उसको दबा ही रहो, उसको दबाओ, हाँ दबाओ, हाँ छोड़ दो उस बटन को। पावर ऑफ हो गया, बंद नहीं हो रहा है, चला लोगी यार धीमे धीमे? मुझे बस इतना बता दो, सुनो ये चीज तुम बता दो, बस इसको दबाए रहना। इतना हार्ड है उसका कि तुम जहां मारो वहीं गाड़ी खड़ी हो जाएगी। तो मैं देखो इतना हल्का हल्का चलाती रहोगी थोड़ा। अभी तुम पहला गियर सीख लो, है ना भाई, पहला गियर सीख लो, उसके बाद सेकंड गियर डालने का तुम्हें। अब मेरी बात सुनो, स्टॉप करना है तो फिर इसको हल्का से ब्रेक डाल, दबाओगी हो जाएगा, हो जाएगा। और फिर दबाई रहेगी पूरी, अभी जैसे एकदम से मार दिया था। अभी भाई क्या हुआ कि एकदम से इसने ब्रेक मार दिया, तुरंत गाड़ी वही स्टॉप हो गई थी। रोक लेना इतनी देर की मेहनत के बाद कम से कम एक डेढ़ घंटा यहाँ पे हम लोग सिखा रहे हैं इसको। हालांकि अभी पूरी तरीके सीखी नहीं है, बट ये है कि थोड़ा थोड़ा पहले गियर पे ये थोड़ा थोड़ा ले जा रही गाड़ी, हम लोग सपोर्ट पर बगल में लगे हुए हैं, बट ये थोड़ा थोड़ा। आप कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बस सीख जाऊँ थोड़ा किनारे का ट्रक आ जाऊँ पार्ट्स पता चल गया कैसे। अरे निकल जाएगा, निकल जाएगा, आगे बढ़ाओ, कुछ करना है इसमें, आगे बढ़ाओ और कैसे पकड़ना है, हल्का आगे कर लो, बस निकल जाएंगे, बस 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 बस। भाई सब बहुत हैवी है यार, बैलेंस नहीं बनना है, लेकिन बाकी सब पता चल गया, बस इसमें क्या है कि बहुत भारी है, हैवी भाई। सो गाइज गुड मॉर्निंग, और आज डे टू है भाई, कल शाम को रात हो गई, मतलब रात हो गई थी इसलिए हम लोग चले गए थे, बाकी अभी ये देख सकते हो डे टू है और अभी फिलहाल से फिर से आ चुके हैं, बिकॉज एक दिन में ये नहीं सीख पा रही है और एक दिन में कोई भी नहीं सीख पाता, बट मैं तो सीख गया था भाई, और मुझे किसी ने सिखाई भी नहीं थी, बट चलो कोई नहीं, और अभी फिर से सीखने जा रही। बताओ चला लोगी आज कन्फर्म? चलो चलाओ फिर, स्टार्ट करो, कौन से गियर में? न्यूट्रल है फिलहाल, स्टार्ट करो, स्टार्ट, दबाई रहो उसको, स्टार्ट, ब्रेक दबाओ, ब्रेक दबाओ, पहला गियर डालो, पहला गियर, हाँ हाँ, अब हल्का हल्का क्लच छोड़ो, हल्का 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 हल्का, सीधा रखो एंगल, सीधा रखो सीधा, क्लच दबा के फिर से दूसरा गियर ऊपर करो, पैर नीचे। गाइस ये देख सकते हो भाई, अन्नू तो सीख ही नहीं, बट ये लक्की को मैंने दो ही बार बताया था और ये सीख गया चलाना। जाओ जरा दिखाओ चला के, धीमे धीमे,
गया, ले गया ले गया। और ये गियर भी डाल ले रहा है, मतलब मैंने इसको बोला कि सेकंड गियर थर्ड गियर डालूं तो डाल ले रहा भाई, मतलब सही है, सीख ले सीख लिया मतलब ये। और देखो मोड़ भी ले रहा है भाई, तो इसका तो ट्रेनिंग ओके है। बट ये जो है 0/19 पे कल से अभी तक उसी पे टिकी है। वही है ना भाई, लड़कियों के जो अक्ल होती है ना, दिमाग वो घुटनों में होता है, वो सच में है, वो रियलिटी है। रोक लो अब, इसको आ गई मज़ा, देख रहे हो गाड़ी मतलब छोड़ ही नहीं रहा, बहुत देर चला रहा है भाई ये, तो यही सीन है। कैसा लग रहा तुमको अब हैं? बढ़िया लग रहा है। और कौन से गियर चला रहे थे तुम? हाँ भैया ये देखिए, ये समझिए चौथे गियर पर गाड़ी चला रहे हैं, गियर डालना सीख गया लड़का। और ये कुछ नहीं, ये लड़कियां सही भाई घुटनों में होती है अकल सच में। अरे चलो ठीक है, तुमको बैलेंसिंग नहीं आ रही तो सीखो क्या, मेन इसकी दिक्कत भाई आ रही है, बैलेंस नहीं बना पा रही है, लहरा रही है इधर उधर ऐसे ऐसे। तो गाइस आ चुके हैं घर पे और भाई हालत खराब हो गई धूप में, और अभी टाइम हो रहा 12 बज रहे, और ये भाई चला ले गया गाड़ी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, बढ़िया लग रहा है भाई इसको। और भाई उम्मीद नहीं थी ये चला लेगा, लेकिन चला ले गया, क्योंकि इसकी हाइट मुझसे थोड़ी सी कम है, और बाकी चला लिया इसने, पहले भी कोई बाइक चलाई हुई है ना, पंथर चला चुका है ये, तो चलो कोई नहीं। और बाकी तुम्हें कैसा लगा? अच्छा तो नहीं लग रहा है, अब नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगा फिर से सिखाना पड़ेगा, बिकॉज 2 दिन में ये सीख नहीं पाई है, पता नहीं क्या यार। मैं तो ये सोचता हूँ यार, मुझे किसी ने सिखाया नहीं तब मैं सीख गया अपने आप ही, और इन लोगों को मैं इतना गाइडेंस दे रहा हूँ तब भी नहीं सीख पा रहे यार, मतलब हद है। मुझे सिर्फ मेरे पापा ने इतना बताया था कि गियर ये है, ये क्लच है, ये एक्सेलेरेटर, ये ब्रेक, 4-5 चीज़ें बता दिए थे, बस बात ख़त्म। मैं लेके गया, गिरा भी एक बार खड़ी गाड़ी पे गिर गया था, और एक बार भाई स्कूटी लेके ईटा आ गया था, मोड़ रहा था मतलब ईटा आ गया, फिसल गया था, तो वो चलाते सीखते टाइम नहीं गिरा हूँ मैं, वो ऐसे ही गिरा नॉर्मल में, तो ये लड़की सीख नहीं पाई है। और चलो जैसा होता है अगली बार देखते हैं, बाकी होप करते हैं आपको अच्छा लगा होगा अगर इस ब्लॉग में, अगर मज़ा आया भाई तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, बाकी बताना यार कुछ, अगर तुम लोग अगर टिप देना चाहते हो, आप लोग अगर कुछ भी सजेस्ट करना चाहते हो इस लड़की को तो बता देना।